हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल खत्री स्टेनो। सो ये जो हमारा है सेकंड एग्ज़ाम पेपर है जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर का, प्रीवियस शिफ्ट का है। तो हम ये डिस्कस करेंगे, कुछ एक इसमें क्वेश्चंस है जो कि हमारे 6 से 7 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे, मैं फुली एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहला हमारा क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, शॉर्ट एंड स्ट्रोक मस्ट बी यूनिफॉर्म लेंथ विच शुड बी अबाउट डैश ऑफ एन इंच। एक इंच का 1/6 जो होता है हमारा, वो शॉर्ट हैंड की एक आउटलाइन होती है, ठीक है, या इसको हम 5 mm भी बोल सकते हैं शॉर्ट एंड। उसके बाद नेक्स्ट है, स्ट्रोक्स व्हेन जॉइंड मस्ट बी रिटन विदाउट डैश द पेन पेंसिल हैंड, ठीक है, कि भाई हैंड को या पेन पेंसिल को, जैसे हमें पेन पेंसिल यूज़ करते हैं, तो इसको विदाउट लिफ्टिंग, यानी कि पेन को बिना उठाए हम उसको आउटलाइन को कंप्लीट करना होता है, जब भी हम फ्रेज या फिर कोई आउटलाइन बना रहे हों, ठीक है। तो यह हमारा पहला आंसर जो है वो करेक्ट होगा, लिफ्टिंग, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाइल राइटिंग अ वर्ड द वर्ड फॉर्म इज रिटन एंड इज फॉलोड बाय द वोवल साइन, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कहने का, कि हम जो है पहले उसका कॉन्सोनेंट बनाएंगे, बाद में वोवल लगाएंगे। तो अब ये क्या कह रहा है कि व्हाइल राइटिंग अ वर्ड, जब हम वर्ड को लिखते हैं, द वर्ड फॉर्म इज रिटन फर्स्ट, यानी कि वर्ड फॉर्म पहले लिखा जाएगा, फिर उसका वोवल प्लेस होगा जहाँ भी आएगा, अगर बिफोर है तो बिफोर, आफ्टर है तो आफ्टर। फिर थर्ड प्लेस, इंटरवीनिंग वोवल साइन इज रिटन बिफोर द डैश स्ट्रोक एट द एंड पोजीशन, ठीक है। यूनिट में हमने किया था कि अगर थर्ड प्लेस के दो स्ट्रोक हैं और बीच में अगर कोई वोवल आता है, तो हम जो वोवल है वो सेकंड स्ट्रोक, जो सेकंड कॉन्सोनेंट हमने लिखा है, उससे पहले लगाएंगे, ठीक है, तो बिफोर द सेकंड कॉन्सोनेंट, ठीक है। ए लार्ज इनिशियल हुक इनसाइड एल एड्स, पिछले ही हमने जो सेट है उसमें किया था एग्जाम सेट में, कि एल से पहले अगर हमारा कोई भी हुक आता है, तो वो हुक जो होता है वो हम पहले पढ़ते हैं, ठीक है। तो इनिशियल का मतलब होता है पहले, हुक इनसाइड एल, तो किसका होता है, डब्ल्यू एच का। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम वेहल, ठीक है, डब्ल्यू एच ए एल ई, तो एल से पहले डब्ल्यू एच आ गया, तो ये हमारा जो है करेक्ट आंसर है। डब्ल्यू में हम ऐसा नहीं करते क्योंकि उसके लिए विल बनता है, ठीक है, के डब्ल्यू के साथ एल अपवर्ड जाता है, जी डब्ल्यू के साथ भी एल अपवर्ड जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है मीडियल, डैश इमीडिएटली फॉलोइंग सर्कल एज मे बी ओमिटेड इन राइटिंग आउटलाइन फॉर पोस्टमैन। वो कह रहे हैं कि पोस्टमैन लिखते इस टाइम कौन सी चीज है जो ओमिट होगी। अब पोस्टमैन में देखो एस टी साथ में आ गया, एस का सर्कल बनेगा, ठीक है, तो हम टी को ओमिट करेंगे, ठीक है, पोस्टमैन में हम क्या करेंगे, टी को ओमिट करेंगे, तो टी हमारा ओमिट होगा। टी ओमिट किस वजह से होगा, क्योंकि पी ओ एस टी एम ए एन आएगा, तो पोस्ट के लिए हम क्या करेंगे, पी एस टी का लूप बनाना चाहिए वैसे तो, बट एस का सर्कल बनेगा क्योंकि इसमें हाल्विंग प्रिंसिपल भी अप्लाई हो रहा है, एस टी, ठीक है, कि अगर एस के बाद टी आता है पोस्ट हो गया, जैसे एस टी का लूप बनाते हैं, और उसके बाद अगर एम वर्ड आ जाता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, तो टी हमारा ओमिट हो जाएगा। द टिक फॉर द वर्ड द इज नेवर यूज, कि कब यूज नहीं होगा, इनिशियली, इनिशियली का मतलब है शुरू में, शुरू में हम दा के लिए डॉट लगाते हैं, बट किसी चीज़ के साथ ज्वाइंट हो जाता है, एम के साथ जैसे बताया था मैंने, एल के साथ बताया था, आर के साथ बताया था, तो वहाँ उसका टिक यूज़ होता है, ठीक है, या किसी भी चीज़ के साथ द आ जाए, विच द, बट द, तब हम टिक यूज़ करते हैं। द टिक फॉर द, सॉरी ये हो गया हमारा, चूज द करेक्ट आउटलाइन फॉर द वर्ड ऑफिशियली। ऑफिशियली के लिए हमारी आउटलाइन क्या होगी, पहले एफ फिर एस एच के साथ एल, लेकिन एस एच के बाद आया, लेकिन हमारा रूल क्या कहता है कि अगर एल एस एच के साथ है तो वो पहले लिखा जाएगा एज अ हुक, ठीक है, एफ बना के शेल, तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। अब हमारा है कि गैस करना है हमको कौन सी जो आउटलाइन है वो परफेक्ट है सेंटेंस के लिए। वी आर फेसिंग ग्रेट डिफिकल्टीज एंड द फ्यूचर अपीयर्स टू बी मोर डिफिकल्ट। अभी ऊपर से ही देख लेते हैं, वी आर के लिए हमको क्या चाहिए, वी के साथ आर आए तो हमारी जो आर की आउटलाइन है उसी के साथ ज्वाइंट हो जाती है। फेसिंग आ गया, फिर ग्रेट डिफिकल्टीज के लिए हम डी, फिर एफ का हुक और के की आउटलाइन हाफ करके लगाते हैं, ठीक है, और एस है तो साथ में एस, एंड द फ्यूचर, एंड द इकट्ठा बनेगा, फ्यूचर आपका एफ की आउटलाइन को डबलिंग करके और यू की डिप्थोंग दी जाएगी, वहाँ पे साथ में ज्वाइंट हो जाएगी क्योंकि वो कन्वीनियंट है। अपीयर्स में पी नीचे की तरफ और आर डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है। टू बी मोर डिफिकल्ट, टू बी एज इट इज होगा, टू बी टू ऑन द लाइन, बी उससे नीचे चला जाएगा, मोर में एम में आर का हुक अबाउट द लाइन, डिफिकल्ट के लिए डी और एफ का हुक बनेगा, ये हमारा जो है होना चाहिए। तो ये हमारा किस में है, वी आर पहले में नहीं है, सेकंड में वी आर है, फेसिंग है, ग्रेट है, डिफिकल्टीज है, एंड द, यहाँ पे अब यहाँ पे कुछ ना कुछ मिसिंग होएगा, ठीक है,
फ्यूचर अपीयर्स, अब फ्यूचर नहीं है ये फ्यू वर्ड बना रखा है इसने। फिर आगे देखते हैं, वी आर फेसिंग ग्रेट डिफिकल्टीज एंड द, यहाँ पे मिस है तो हमारा फोर आंसर करेक्ट है। क्यों है? क्योंकि वी के अंदर आर भी है, फेसिंग भी है, ग्रेट भी है, डिफिकल्टीज भी है एंड द है। फ्यूचर में एफ के आउटलाइन को डबल कर रखा है क्योंकि आगे चर की साउंड आ रही है, टी यू आर ई। अपीयर्स टू बी मोर डिफिकल्ट, डी और एफ का हुक, ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट होगा। अब है आई हैव ग्रेट प्लेजर, ये हमारा फ्रेज है, इकट्ठा ही बनता है। इन गिविंग टू यू ऑल ए वार्म वेलकम टू एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ योर कंपनी, तो आई हैव ग्रेट प्लेजर है फर्स्ट में, इन है, गिविंग है, टू यू है, यहाँ पे आल नहीं है तो नेगलेक्ट। आई हैव ग्रेट प्लेजर इन गिविंग, गिविंग में आई एन जी नहीं लगता, तो आई एन जी हमारा पूरा नहीं लगता, तो वहाँ वो भी गलत था। तो गिविंग में यहाँ पे आई एन जी का डॉट है, सही है। टू यू ऑल, ऑल यहाँ भी नहीं है, ठीक है। तो थर्ड में देखो, आई हैव ग्रेट प्लेजर इन गिविंग में आई एन जी है, टू द है, टू द आ गया हमारा वर्ड, ठीक है। उसके बाद क्या है, यू, ठीक है, ऑल ये शायद आई थिंक गलत दे रखा है ऑप्शन में, यहाँ पे टू आएगा ओनली। आई हैव ग्रेट प्लेजर इन गिविंग टू यू ऑल ए वार्म वेलकम, ठीक है, टू एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है, ये कैपिटल आते हैं इसलिए इसमें इक्वल का सिंबल दे रखा है नीचे, ऑफ योर कंपनी, ठीक है। तो थर्ड आंसर जो है ये हमारा करेक्ट होगा। तो ये भी हमने जो क्वेश्चन पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चन थे छोटे छोटे, ये हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ऐसे ही और मोर वीडियोज़ के लिए, मोर क्वेश्चन पेपर्स के लिए प्लीज़ हमें फॉलो कीजिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।